अगर आपने अभी तक हमारा सैम गुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे BSNL के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अब इंतज़ार खत्म होने वाला है क्योंकि BSNL ने अपना जो 4G सिम है वो लॉन्च किया है। हर सर्कल में आप अपना BSNL का 4G सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ आप जहाँ भी रहते हैं, किसी भी सर्कल में रहते हैं, वो 4G सिम आप यहाँ पे अपना मोबाइल में अगर आपके पास 4G हैंडसेट है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग इस साल की शुरुआत में केरला में BSNL ने, केरला सर्कल में BSNL ने 4G सेवा शुरू की थी। आने वाले वक्त में 12 सर्कल में BSNL, अभी लेटेस्ट अपडेट के तहत उसे एक न्यूज़ मिली है, उसमें 12 सर्कल में अभी उसे स्टार्ट करने वाला है। लेकिन इसका सभी अब केरला में स्टार्ट, कर्नाटक में स्टार्ट होने के बाद अब कुछ इलाकों में वो शुरुआती दौर पर वो काम चल रहा है। पूरे देश में 4G सेवा लगभग यहाँ पे 1 या 2 महीने में शुरुआत होने की संभावना है, एक अंदाज यहाँ पे लगाया जा रहा है। लेकिन अभी आप 2G या 3G सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक नया सिम यहाँ पे BSNL ने दे दिया है। पूरे आप किसी भी सर्कल में रहते हो, आपको ये सिम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी जो स्पीड होगी वो लगभग यहाँ पे 25 MBPS 30 MBPS तक आपको यहाँ पे मिलेगी। डाउनलोड स्पीड आपको 5 MBPS 10 MBPS के आसपास आपको यहाँ पे मिलेगी, ऐसा एक BSNL ने ट्वीट करके कहा है। लेकिन एक दिक्कत है, ये दिक्कत मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक जो भी हमने 4G नेटवर्क को जो भी शिफ्ट हो चुकी है, जियो होगा, जियो तो स्टार्ट ही 4G ने किया था, उसने 6 महीने आपको यहाँ पे ऑफर दिया था, जो वेलकम ऑफर हो या फिर हैप्पी न्यू ईयर ऑफर हो। उसके बाद जो भी टेलीकॉम कंपनी है 4G 3G से 4G में शिफ्ट हो चुकी है, उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए 4G अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा बेनिफिट या कुछ ऐसे स्कीम यहाँ पे निभाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे BSNL जो भी अपने जो कस्टमर है 2G या 3G कस्टमर जो शिफ्ट होना चाहते हैं BSNL के 4G सेवा में, उसके लिए अभी तक BSNL कौन सी स्कीम नहीं निकाली, लेकिन बल्कि कोई स्कीम तो नहीं निकाली है, लेकिन उनकी तरफ से ही 4G में शिफ्ट होने के लिए 20 रुपये यहाँ पे लिए जा रहे हैं। यानी 20 रुपये का आपको यहाँ पे सिम खरीदना पड़ सकता है। अगर आप तो सोचने वाली ये बात है कि अभी लेटेस्ट अपडेट कहने की बात, आपको एयरटेल ने जो भी आपके जो 2G 3G नेटवर्क है जो शिफ्ट होना चाहते हो, जो अपग्रेड करना चाहते हैं सिम, उसके लिए उन्होंने 30 GB डेटा यहाँ पे दिया गया है। ऐसे जो भी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं BSNL को छोड़ के, हर कंपनी ने जो भी आपके ग्राहकों को जो 4G सिम लेना चाहते हैं उनके लिए पहली बार जो भी 4G सिम लेने के बाद पहली बारने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सिम डेटा या किसी को जो फ्री सिम मुहैया करवाता है। लेकिन BSNL ने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है। BSNL खुद अपने ग्राहक की तरफ से 20 रुपये चार्जेस यहाँ पे लगा दिए। 20 रुपये में आप अपना सिम खरीद सकते हैं, यू सिम खरीद सकते हैं। ये तो तय है कि आने वाले वक्त में BSNL पूरे देश में 4G सेवा यहाँ पे चालू करने वाला है, तो उसके से आप अपग्रेड कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद रुकने के बाद आपको क्या क्या संभव हो सकता है कि अगर आप BSNL का कोई एक बंडल ऑफर दिया जाए अगर आपने 4G सिम में अपग्रेड किया तो इंतज़ार कीजिए। अगर आपके इलाके में 3G नेटवर्क ही है, BSNL का 4G नेटवर्क अभी तक आपके इलाके में नहीं है, तो इंतज़ार कीजिए। अगर आपके इलाके में BSNL का 4G नेटवर्क है तो आप यह सिम ले सकते हैं, 20 रुपये देखिए आप कुछ सिम यहाँ पे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।